नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल मिस्टेक पंडित पे। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा था पुष्य नक्षत्र के बारे में। और किसी प्रकार से भी अगर आपको आपके नक्षत्रों का नहीं पता है तो दोस्तों, लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे बेसिक डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप डाल के आपको पता चल सकता है कि आपका कौन सा नक्षत्र है। और उसके अकॉर्डिंग आप मेरी कोई सी भी नक्षत्रों वाली वीडियो देख सकते हैं। और तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रोफेशन में हो सकते हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या उनको ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर हो जाए। और दोस्तों, जो मैं ये रेमेडीज बताता हूँ ये मेरी खुद की बनाई हुई रेमेडीज नहीं है दोस्तों। मैं भी एक लर्नेड इंसान हूँ, काफ़ी लोगों से मिला हूँ, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से मैंने डिस्कशन किया और टिल नाउ आई एम लर्निंग। और जो मैं ये रेमेडीज़ बताता हूँ ये शास्त्रों में लिखी हुई हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर से एक्लेम्ड होके, मतलब किसी को बेनिफिट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो जानते हैं पुष्य नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, ये वो लोग होते हैं अगर आपको इन्होंने कोई कमिटमेंट कर दी तो ये 100% निभाएंगे, आप इन पे रिलाई कर सकते हैं। और अगर आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल या आप देखते होंगे ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं और तभी कोई डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो मानिए वो पुष्य नक्षत्र के ही लोग होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये होता है इनका थोड़ा सा ट्रेट्स, प्लस इनके अंदर एक और भावना बहुत ज़्यादा होती है, ये नई नई चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। चाहे तो वो कुछ गेम हो सकता है, चाहे वो कोई किस तरह की पढ़ाई हो सकती है या कोई कोर्स हो सकता है, ये हमेशा इनका निरंतर चलता रहेगा, कभी भी नहीं अपनी लाइफ के अंदर ये बंद करते। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अभी कौन कौन से करियर में बहुत अच्छा करते हैं। ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ या कोई CEOs हो सकते हैं, या फिर अगर जैसे कि जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनके बहुत बड़े महंत वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो इनके फील्ड हैं ना दोस्तों, ये बेस्ट फील्ड होते हैं और तकरीबन ये लोग इन्हीं सब फील्डों के अंदर ही आपको मिलेंगे। हाँ, कुछ थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट भी जुड़ा है इस नक्षत्र के लोगों को के बारे में, और बहुत छोटा है, और वो कहीं ना कहीं तब ज़्यादा होता है जब ग्रह एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल करते हैं। सबसे पहला अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट देखूँ तो ये थोड़े बातूनी बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर वेरी टॉकेटिव, और इसी करके ये अपने शब्दों के जालों में फंस जाते हैं। और सेकेंडली, ये अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर रूल करने की एप्टीट्यूड या एटीट्यूड के अंदर आ जाते हैं, और उसी को करके ये कभी ना कभी अपने रिलेशनशिप्स के अंदर अप्स एंड डाउन जरूर देखते हैं। और वैसे तो दोस्तों, हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी प्रकार इसी नक्षत्र में ये दो छोटी सी प्रॉब्लम है और इसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं हम अपने नेचर को चेंज करके और अपने आप को सुधार के जैसे भी। और किसी प्रकार से भी आप किसी कार्यस्थल या लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में फंस जाते हैं तो ये दोस्तों दो रेमेडीज आपके लिए दी बेस्ट है और ये आपको 100% बेनिफिट देगी। सबसे पहली रेमेडी है दोस्तों, शनिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन आपने खिचड़ी बनानी है और लेबर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि इसकी जो लॉर्डशिप है दोस्तों वो दी जाती है शनि महाराज जी को, और ये बनता है कर्क राशि के अंदर 3 डिग्री से लेके 16 डिग्री के अंदर। तो चंद्रमा और शनि का इम्पैक्ट इस नक्षत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। वैसे तो जो भी रेमेडीज देनी चाहिए ना दोस्तों, वो पदों के हिसाब से देनी चाहिए। पहले पद की जो लॉर्डशिप है वो दी गई है सन महाराज जी को, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर मार्स, उसके अकॉर्डिंग ही रेमेडी होनी चाहिए। बट जो मैं आपको रेमेडीज बताता हूँ ये ओवरऑल एक जनरल रेमेडी है दोस्तों,
इस रेमेडी से आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा, और खासकर जो पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग हैं उनको 100% बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, अब लेबर क्लास की जो रूलिंग दी जाती है वो शनि महाराज जी को दी जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप खिचड़ी बनाएंगे शनिवार को, इनको खिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप पे वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो आपके कोई भी रुके हुए काम होंगे ना दोस्तों, वो धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे। और सेकेंडली, शाम के समय आपने एक घी का दिया अपने मंदिर में जरूर जलाना है। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपके घर के वातावरण के अंदर भी बहुत ही सुंदरता और मधुरता बनेगी। तो ये थी दोस्तों मेरी एक छोटी सी वीडियो पुष्य नक्षत्र के ऊपर। और जो ये रेमेडीज अगर आप करते हैं तो आपको अगर कोई बेनिफिट हो रहा है, या आप इसको करने में और इच्छुक हैं और जानने में इच्छुक हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे डाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब यहीं लेता हूँ मैं पूर्ण विराम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी प्रकार से भी अगर मैं आपको पसंद आ रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल मिस्टिक पंडित को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।